चलिए, वॉइस क्लियर है? सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, आपके सिलेबस मेरे पास है, जो चीजें हमने कवर कर रखा है क्या कोई चीज छूटा तो नहीं है। तो इसमें यदि हम बात करते हैं तो सेवेंथ नंबर का पॉइंट आता है इंटरनेट और उसके यूसेज, जिसमें कि हम देखते हैं इंटरनेट क्या है, उसका ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्चिंग और विभिन्न विभाग के वेबसाइट की सामान्य जानकारी, ये आपके इंटरनेट के बारे में दिया हुआ है। लेकिन अगर हम इसको टेक्निकली देखें तो इंटरनेट क्या है, जब बात करते हैं इंटरनेट के उपयोग, जब तक वो क्या है नहीं जानेंगे तो उसका उपयोग समझ में नहीं आता। तो इसलिए हम इंटरनेट को थोड़ा गहराई से पढ़ रहे हैं ताकि इससे संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न आपसे बन सकें। इंटरनेट से रिलेटेड आपका, जैसे मैंने पहले भी नोट कराया है आपके सिलेबस में, लास्ट वाले को देखते हैं 11th नंबर का, जिसमें गूगल, यूट्यूब, अल्टा विस्टा, सर्च इंजन जैसी चीज़ें दी गई हैं। तो ये दोनों के दोनों, 7th और 11th, ये दोनों के दोनों वास्तव में इंटरनेट ही है, ठीक है। तो इसलिए हम इस इंटरनेट की टॉपिक को पिछली क्लास में बस थोड़ा स्टार्ट ही किए थे एक्चुअल में, तो आज हम इंटरनेट पढ़ने वाले हैं। उस दिन बस हम शुरुआत बस किए थे, कुछ कुछ बातें हमने समझी थी और उसमें एक छोटा सा माइनर सा करेक्शन भी है, मैं उसे करवा दूंगा। और उसके बाद हम कमिंग सैटरडे तक आपका इन कंप्यूटर का कंप्लीट आपका सिलेबस पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, सिलेबस समाप्त हुआ है, कुछ प्रैक्टिस सेशन मेरे द्वारा दिया जाएगा आप लोगों के लिए, जो अच्छे लेवल अप क्वेश्चंस होंगे। 5 सेट अभी तक मिल चुका होगा मेरे ख्याल से क्वेश्चन, 5 सेट के बाद आगे 6, 7, 8 भी आपके पास सेट आएगा और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस का कुछ सेट मैं लाइव करवाऊंगा। आप लोगों को आपके भरोसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे कुछ टेक्निकल एक्सप्लेनेशन भी देना होगा कि इसका आंसर क्यों है, जो पढ़े हैं उसी को बार बार मैं आप लोगों को थोड़ा एक क्विक रिविज़न करवाऊंगा। तो सैटरडे तो कंप्यूटर की क्लास समाप्त होने के बाद 2 से 3 महत्वपूर्ण सेशन होंगे। ये सेशन बहुत सारे क्वेश्चन, 1.5 घंटे के स्लॉट के हिसाब से जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकेगा सब होगा। तो वो क्या है, बीच बीच में मैं शेड्यूल कराऊंगा, कमिंग वीक में बीच में एक्स्ट्रा क्लास का शेड्यूल होगा। एक्स्ट्रा क्लास शेड्यूल मतलब, जैसे या तो आप 7 से 10 अभी क्लास करते हैं तो 10 बजे के बाद 15 मिनट ब्रेक लेके आप 10:15 से लेके कम से कम 12 बजे तक बैठेंगे, या फिर हो सकता है कि वो कोई और स्लॉट हो, अभी ठंड का सीजन वैसे भी नहीं है तो एक पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग को 6 बजे बुला लिया जाए, पॉसिबल है। एनीवेज मजाक कर रहा हूँ, जो भी बेस्ट टाइम होगा तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस जो मेरे द्वारा कराया जाएगा बाइलिंगुअल होगा। एक शिकायत जो आ रही है कुछ लोगों को इंग्लिश में चाहिए, तो वो समस्याएं भी दूर हो जाएगी, बाइलिंगुअल में करवाऊंगा। और इसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे टाइप के प्रश्न गहराई से अगर पूछता है मॉडरेट, बहुत गहराई तो नहीं पूछता है ना, सामान्य और मॉडरेट, इससे ऐसे ही लेवल वाले प्रश्न आते हैं, ठीक है, ताकि आप बहुत सारे सेट के बाद, वो 3 सेट के बाद, अगले जो 2-3 सेट क्वेश्चन का सेट मिलेगा 6, 7, 8, उसके बाद 3 सेट और होगा जो मेरे द्वारा होगा, मतलब मान के चलो 6 सेट और करने वाले हो क्वेश्चंस के, तब आप लोगों के लिए ये काम बड़ा आसान हो जाएगा बहुत सारा चीज़, ठीक। चलिए, इंटरनेट की चीज़ें हम वापस रिज्यूम करते हैं, प्रारंभ करते हैं कह सकते हैं हम। इंटरनेट को मैंने कहा नेटवर्कों का नेटवर्क, नेटवर्कों का नेटवर्क, यानी इट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये बातें आपको मैंने बताया था कि कैसे पूरी दुनिया आपस में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, प्रकाशिक तंतु के माध्यम से आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं, जिसमें कि मैंने कहा था पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, हिंद महासागर या जितने भी सागर है वहाँ पर क्या है, इंटरनेट का पूरा क्या है, वायर जो है बिछा हुआ, बंचेस ऑफ वायर। और ये ऑप्टिकल फाइबर हम आप देख पा रहे होंगे, ये वही ऑप्टिकल फाइबर है जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, प्रकाशिक तंतु पढ़ते हैं। और यदि हम कहें समुद्र में कैसे ट्रांसमिशन होता है, इस प्रकार ट्रांसमिशन होता है, समुद्र के अंदर या तो सतह में तैर रही होगी या नीचे इस प्रकार बैठी होगी। और यदि मैं बात करूँ, ये रियल पिक्चर है, ये ऑप्टिकल फाइबर है जिसके अंदर बहुत सारे, इसको जब हटाओगे तो बहुत सारे इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर इस प्रकार के निकलेंगे,
और इस प्रकार इंटरनेट का ट्रांसमिशन होते रहता है। अगर किसी प्रकार का कोई डैमेज हुआ, शार्क फिश वगैरह उसे डैमेज कर देती है, तो तुरंत उसे रिपेयर कर लिया जाता है। ये कई लेवर के कोटिंग है, ये इसे क्या तोड़ना उतना आसान नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। और ये कोई छोटी मोटी वायर नहीं, काफ़ी इसकी रेडियस का उसका जो डायमीटर काफ़ी बड़ा है, देखिए। तो ये बातें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है, ना इसे पूछा जाएगा ना ही कुछ, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। अब क्या हुआ, जब मैं यहाँ पे कहता हूँ इंटरनेट चलाना है, तो इंटरनेट के माध्यम और इंटरनेट का जो मीडियम है, मीडियम ऑफ इंटरनेट यानी कि एक जगह से दूसरे जगह इंटरनेट कैसे पहुँचता है, तो वायर से पहुँचता है, वायरलेस भी हो सकती है। जैसे आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करते हैं और आपके चारों तरफ आपके 8-10 फ्रेंड जो भी होंगे वो कनेक्ट कर सकते हैं आपसे। कोई पब्लिक वाईफाई है तो वहाँ पब्लिक वाईफाई भी क्या है, आसपास के लोग आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका रेंज बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि आप यहाँ पे हॉटस्पॉट ऑन किए और आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर कोई जो आपका फ्रेंड आपसे कनेक्ट होगा, नहीं कर पाता। अब ये सब इंटरनेट में मुख्यतः होता क्या है, क्या चीज़ें ट्रांसमिट होती हैं, तो सूचनाएँ ट्रांसमिट होती हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरे जगह। अब उस इंफॉर्मेशन को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने बताया था शुरुआती क्लास में, शुरुआत से ही बार बार बता रहा हूँ, सूचनाओं के इलेक्ट्रॉनिक रूप को हम या तो डेटा कहते हैं या तो प्रोग्राम कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप को हम प्रोग्राम भी कह सकते हैं, डेटा भी कह सकते हैं। उसी डेटा का ही तो ट्रांसमिशन है, आप डेटा रिचार्ज करते हो, आप 1.5 GB का पैक रिचार्ज करते हो या 2 GB का पैक रिचार्ज करते हो, वो वास्तव में क्या है, आप डेटा रिचार्जिंग है, ताकि डेटा को किसी सोर्स से, किसी मुख्य स्रोत से आप खींच सको, सिंक कर सको। तो ओवरऑल देखा जाए, ये जो आपका कम्युनिकेशन है, ये जो संचार है, वो अलग अलग वायर के माध्यम से शुरुआत में होता चला गया। इंटरनेट की शुरुआत जब की गई तो शुरुआत में विंड सर्फ और काहने, वो दो जो साइंटिस्ट थे, है ना, काहन कहते हैं CHN, तो ये दोनों क्या हैं, सबसे पहले 2 कंप्यूटर को जोड़े, फिर 5-7 कंप्यूटर को जोड़े, फिर उस एरिया के कंप्यूटर को जोड़े, फिर उस सिटी के कंप्यूटर को जोड़ने का प्रयास किया। तो किसी एरिया होगा तो लोकल एरिया नेटवर्क, देखो नेटवर्क का तरीका अलग होता है, नेटवर्क स्टाइल ऑफ नेटवर्किंग एक होती है और टाइप ऑफ नेटवर्किंग अलग चीज होती है। नेटवर्क का प्रकार होगा तो जैसे कि हम यहाँ पे मान लो बैठे हुए सब लोग आपस में एक एक कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं और इसी एरिया में, तो हम कहेंगे यहाँ पे एक ही नेटवर्क के अंदर हम एक दूसरे से कनेक्ट यदि होते हैं वो इंट्रानेट होगा। लेकिन इस नेटवर्क का उधर के कोई नेटवर्क के साथ, पास वाले सिटी के नेटवर्क के साथ जब होगा तो इंटरनेट कहते हैं। जैसे मैंने कहा था इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन होता है ऐसा। अब उधर का नेटवर्क मान लो, समझिए हम यहाँ पे अभी चौबे कॉलोनी में हैं और मान लो जोरा एरिया जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उस एरिया में आप कोई नेटवर्क है उसके साथ कनेक्ट होंगे, तो यहाँ से वहाँ वायर से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो पहले क्या था, कॉपर वायर यूज किया जाता था क्योंकि कॉपर अच्छा कंडक्टर है। उसके बाद कॉपर के बाद यहाँ पर कॉपर के बाद उसके बाद क्या है, कोएक्सियल वायर यूज किया जाता था। कोएक्सियल वायर मतलब समाक्षीय तार यूज किया जाता था। उसके बाद कोएक्सियल, ये पहला जनरेशन था, फिर ये आया। अभी हम वर्तमान में देखते हैं सबसे बेस्ट मेथड ये है कि हम ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू इस प्रकार चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का सबसे बड़ा फायदा ये है भाई, इन दोनों के वायर के कनेक्शन में, जैसे कि यहाँ पे एक इंटरनेट का नेटवर्क है और इधर एक इंटरनेट का नेटवर्क है, दोनों को कॉपर से जोड़ने पर पर्याप्त डेटा ट्रांसमिशन नहीं होता था क्योंकि एनर्जी लॉस हो जाती थी, ऊर्जा का क्षय हो जाता था। तो 100 इनपुट दोगे तो 100 आउटपुट नहीं मिल पाता था। कई बार ऐसा होता ना, इंटरनेट उधर से ज़्यादा आ रहा है लेकिन हम कम रिसीव कर पाते हैं। फिर उसका बेहतर विकल्प मिला कोएक्सियल वायर। तो कोएक्सियल वायर समाक्षी तार से क्या हुआ कि ये चीज़ें पहले की तुलना में ज़्यादा बेहतर हो गई। लेकिन अभी भी चैलेंज था, कुछ एनर्जी लॉस तो हो ही रहा था, तो इस बार हमने क्या किया, ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ किया।
इसकी सबसे बड़ी बात, अगर इधर 100 दोगे तो रिजल्ट भी इधर 100 मिलेगा और कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। और इसमें डेटा का ट्रांसमिशन इतना फास्ट होता है, क्यों फास्ट होता है पता है? क्योंकि ऑप्टिकल चीजें, ऑप्टिकल मतलब प्रकाशिक चीजें, प्रकाशिक चीजें मतलब प्रकाश के माध्यम से 3×10⁸, अगर वो सनलाइट होता तो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता, लेकिन वो सनलाइट तो है नहीं इस प्रकार। तो प्रकाश की जो गति है मतलब वो बहुत ज्यादा होती है, तो प्रकाश की गति से इस प्रकार क्या होगा, आपका ट्रांसमिशन होगा और बहुत फास्ट हुआ। एक तो क्या, जीरो एनर्जी लॉस, दूसरा फास्टेस्ट स्पीड। तो जब आपको विकल्प दिखे इंटरनेट किसमें सबसे तेज चलता है तो ऑप्टिकल फाइबर आंख मूंद के टिक कर देना, वही आंसर होगा। चले अब यहां पे मैंने कहा इस इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा है। नेटवर्कों का नेटवर्क जब मैं कहता हूं इसमें बहुत सारी बातें समझ आती हैं कि कितने नेटवर्क हैं भाई दुनिया में। नेटवर्कों का नेटवर्क कह दिया, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कह दिया। एक कंप्यूटर से देख रहे हैं कि पूरी यहां पे ग्लोब मतलब पूरी दुनिया में इतने सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क हैं, आपस में सब चीजें जुड़ी हुई हैं। आप भी जब कुछ चीज गूगल करोगे तो आप भी क्या करोगे, इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाओगे। तो नेटवर्कों का नेटवर्क यहां पे ये बताता है कि दुनिया में सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क नहीं है, मेट्रो एरिया नेटवर्क नहीं है, मेट्रोपॉलिटन एरिया कहते हैं, उसके अलावा वाइड एरिया नेटवर्क है, उसके अलावा कि पूरी दुनिया ही क्या है, आपस में इस प्रकार इंटरनेट के केबल से क्या है, जुड़ी हुई है। आप यहां से ईमेल करते हैं तुरंत यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली, हर जगह पहुंच जाता है। क्यों पहुंचता है? क्योंकि हमने चुपचाप नेटवर्क में या इस पर्टिकुलरली इंटरनेट के माध्यम से हमने सूचनाएं भेज दिया। क्यों इतना फास्ट पहुंचता है, क्यों 2 सेकंड के अंदर यहां से यूएसए क्यों पहुंच जाती है? क्योंकि ये सब आपस में एक दूसरे से नेटवर्क के साथ जुड़े हैं। अगर ये नेटवर्क ना होता तो ये सब चीजें आपका मेल करना, यूएसए में भेजना पॉसिबल नहीं होता। आपको बता दूं इस ईमेल या किसी भी बात की, जब हम इंटरनेट के यूसेज की बात करते हैं, खासकर ईमेल की बात, तो एक समय एक ईमेल करने के लिए 1-2 दिन लग जाते थे, जबकि आप 1 सेकंड में भी ईमेल कर सकते हो। ईमेल करना पहले चार्जेबल था, पैसे पे करने पड़ते थे, लेकिन वो उस शुरुआती जमाने में, लेकिन आज तक फ्री आपको कितना भी ईमेल कर सकते हो। तो ये ईमेल भी वास्तव में इंटरनेट के में डाला गया एक प्रकार का इंफॉर्मेशन ही तो है, और इस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से भेज पा रहे हैं। ठीक, चलें, तो ये आपको थोड़ा दिमाग में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। नाउ इसके बाद आगे चीजें समझते हैं। जब हम कोई भी चीज गूगल करते हैं या कोई भी चीज यूट्यूब में आप वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया में कोई जानकारी, आप खुद का पिक्चर डालते हैं, खुद की जानकारी डालते हैं, कुछ अच्छा गुड न्यूज है, सेलिब्रेशन है, आप फेसबुक में डालते हैं, ट्विटर में ट्वीट करते हैं, इतने सारे इंटरनेट के माध्यम हैं, इतने सारे इंटरनेट में इंफॉर्मेशन डालने के और डाउनलोड करने के। जब हम इंफॉर्मेशन को इंटरनेट में डालते हैं वो अपलोड कहलाता है, और जब इंटरनेट से हम जानकारी लेते हैं वो डाउनलोड कहलाता है। अप मतलब ऊपर की ओर, डाउन मतलब नीचे की ओर। सर्वर क्या होता है, ये पीछे देख रहे हैं, ये है सर्वर। तो यहां पे समझिए, ये जो सर्वर है वास्तव में दुनिया में कैलिफोर्निया और कुछ और ऐसे सिटीज हैं, वो काम की चीज नहीं है, नोट करने की आवश्यकता नहीं है। इन जगहों पर क्या है, बड़े बड़े क्या है, सर्वर हैं, जहां पे ये सब डेटा स्टोर्ड है। जैसे आपका कंप्यूटर का या आपके मोबाइल में बहुत सारे डेटा अगर आपका सेव है, पिक्चर, वीडियो, मूवी, कुछ भी सेव है, तो आपके कंप्यूटर को क्या कर रहा है या आपके मोबाइल को क्या कर रहा है, उसका स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और वहां सुरक्षित है। 2 साल पुराना वीडियो भी आपके मोबाइल में अगर है तो उसे आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपके कंप्यूटर में, आपका मोबाइल भी तो कंप्यूटर ही है, तो उसमें वो चूंकि सेव है। तो हम कहां से गूगल करते हैं तो ये जानकारी आती कहां से है? कोई तो सोर्स होगा, कहीं तो होगा कुछ।
तो एक समझो एक बैंक है मान लो, और उसी से सबको पैसे मिल रहे हैं समझिए, तो एक सर्वर है जहां पे पूरे के पूरे डेटा क्या है सेव है, और वहां पे डेटा लगातार लोग क्या है डेटा को जानकारी मुहैया करा ही रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभी जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल साहब हैं, और उनके उनके मुख्यमंत्री बनने का क्रम जो भी है, पहले अजीत जोगी साहब आए, फिर अमन सिंह सर के 3 कार्यकाल आए, फिर आगे बघेल साहब के कार्यकाल आए, मतलब ओवरऑल देखा जाए चौथा क्या है इनका, पांचवा है, पांचवे मुख्यमंत्री हैं। अब ये जानकारी आप गूगल करते हो भूपेश बघेल साहब के बारे में, तो उसमें आपको फिफ्थ चीफ मिनिस्टर हैं, पांचवे मुख्यमंत्री हैं, और पांचवे मुख्यमंत्री हैं, उनका कार्यकाल ये से ये था बोल के आपको जानकारी मिल जाता है। मान लो चुनाव हुआ, अभी चुनाव होने के बाद जानकारी बदल जाएगी, मान लो उनकी सरकार रिपीट होती तो छठवें आएंगे, और मान लो उनकी जगह कोई और मुख्यमंत्री आएगा तो कोई नया डेटा अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन ये डेटा अपडेट कौन करता है, छत्तीसगढ़ की जानकारी दुनिया वालों को थोड़े पता है, यूएसए वालों को थोड़े पता है, लेकिन जानकारी अपडेट कैसे हो जाती है, ये जानकारी अपडेट इसलिए होती है कि सभी नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं, और उस डेटा को अपडेट करने के लिए भी लोग हैं। इतने सारी इंफॉर्मेशन दुनिया में किसे अपडेट करें किसे नहीं, तो किसी एक या व्यक्ति या किसी गूगल कंपनी के 10 एम्प्लॉय का काम नहीं है, ये कोई भी आप और हम भी कर सकते हैं। आप विकिपीडिया में जाइए, खुद अपडेट कर सकते हो, मान लो रायपुर के बारे में कोई जानकारी मिसिंग है तो आप उसे ऐड कर सकते हो, वैसे इंटरनेट में कोई भी जानकारी हम ऐड कर सकते हैं। तो मामला ये क्या है, जब हम जानकारी को जोड़ते हैं वो अपलोड है, और जब हम जानकारी को लेते हैं वो डाउनलोड है, और ये सब क्या है, ये सर्वर में क्या है, सुरक्षित है आपके डेटा, आपके द्वारा अपलोड किया गया पिक्चर या वीडियो भी यहाँ पे अपलोडेड है, और ये सर्वर की संख्या देख रहे हैं कितने सारे कंप्यूटर हैं, कितने सारे सीपीयू हैं, और ये सब क्या है बहुत उच्च मेमोरी क्षमता वाले होते हैं, और ये एक जगह सुरक्षित है, एक सिटी में नहीं है, बहुत सारे सिटी है। और याद रखना सर्वर, चूंकि सर्वर में क्या है मेमोरी की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ये गर्म हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए इसको यहाँ पे कूलेंट की ज़रूरत भी पड़ती है, तो हज़ारों लीटर जो है पानी की ज़रूरत पड़ती है इनको यहाँ मेंटेन रखने के लिए। और ये एक एक सिटी बहुत बड़ा बड़ा एरिया, रायपुर की इतना बड़ा बड़ा एरिया क्या है वहाँ पे सर्वर को अलग अलग जगह वहाँ पे सुरक्षित रखा गया है, और इसकी संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, हो सकता है फ्यूचर में कोई और विकल्प आ जाए, ठीक है। तो यहाँ सर्वर क्या है, सर्वर के बारे में एक बात याद रखना बस, सर्वर यानी मुख्य सर्वर सर्वाधिक मेमोरी क्षमता वाले होते हैं, सर्वाधिक मेमोरी क्षमता वाले होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे सर्वर जो मेमोरी क्षमता वाले होते हैं वापस में छोटे छोटे और सर्वर से क्या है कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अन्य सर्वर भी उच्च मेमोरी वाले होते हैं। चलिए मुझे एक आंसर करिए, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि सर्वर में कौन से कंप्यूटर प्रयोग होते हैं, सर्वर में कौन से कंप्यूटर प्रयोग होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम, ये अन्य सर्वर की बात कर रहा हूँ, ये सर्वाधिक आपका मुख्य सर्वर तो और बेहतर वाला होगा, सुपर कंप्यूटर भी हो सकता है जिनकी क्षमता बहुत ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे अन्य सर्वर क्या होते हैं, और दूसरे भी सर्वर हो सकते हैं, लोकल एरिया के सर्वर भी हो सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार का भी अपना क्या है सर्वर है, ठीक है, नेटवर्क है, स्टेट वाइल्ड एरिया नेटवर्क, स्वान कहते हैं उसे, स्टेट वाइल्ड एरिया नेटवर्क, SWAN। तो यहां मामला क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर हमेशा सर्वर में प्रयोग किए जाते हैं, सर्वर वो कंप्यूटर होता है जहां पे डेटा सुरक्षित होता है, और यदि सर्वर की क्षमता मेमोरी क्षमता ज्यादा है वहां डेटा सुरक्षित है, तो सुरक्षित डेटा को फिर
हम उससे जोड़ देते हैं बाकी कंप्यूटर को, तो सर्वर से बाकी कंप्यूटर तक जानकारी विद द हेल्प ऑफ वायर। कौन सा वायर? ऑप्टिकल वायर फाइबर यूज करेंगे क्योंकि बेस्ट वही है। तो आपस में फिर उस प्रकार हमको क्या मिलती है, वहां से डेटा प्राप्त होती है। नाउ यहां पे भी ये बात क्लियर है। अब चलो मैं आपको बताता हूं, आपने समझ लिया नेटवर्कों का नेटवर्क, आपने समझ लिया इंटरनेट आता जाता कैसे है, आपने समझ लिया वो सुरक्षित कैसे है। अब मुझे इंटरनेट को यूज करना है, तो इंटरनेट को यूज करने के लिए 5 महत्वपूर्ण चीजें चाहिए आपको। ये 5 महत्वपूर्ण चीजें क्या है, चलिए लिख लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहां पर इंटरनेट के लिए आवश्यक 5 रिक्वायरमेंट, 5 आवश्यकताएं इंटरनेट की, 5 आवश्यकताएं हैं, जिसमें सबसे पहले हमको क्या जरूरत पड़ेगा। हमने देखा एक तो सर्वर जरूरत पड़ रहा है, ठीक है, सर्वर जरूरत पड़ रहा है। दूसरा याद रखना ये है मोडेम। मोडेम का क्या काम है, एनालॉग टू डिजिटल और उसके अलावा डिजिटल टू एनालॉग। मोडेम एक प्रकार का डिवाइस होता है। देखो आपको इंटरनेट से जो डेटा मिल रही है डिजिटल फॉर्मेट में मिल रही है कि नहीं, अरे डिजिटल फॉर्मेट मतलब आप जो चीज चाह रहे हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपको मिल रहा है कि नहीं, लेकिन एक जगह से वायर, एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट आ कैसे रही है, एनालॉग फॉर्मेट में आ रही है, तो एनालॉग को मुझे डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब तो आप देख पाओगे। तो मॉडेम का काम क्या होता है, एक्चुअल में मॉडेम का काम जो है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, याद रखना। और कुछ ऐसे भी मॉडेम आते हैं जो डिजिटल को एनालॉग भी कर सकते हैं, ठीक। तो मॉडेम एक तीसरी जरूरत हो गई। अच्छा तीसरा आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, ऑब्लिक करके मोबाइल लिख देता हूं क्योंकि ये इसके बिना आप कैसे चलाओगे, मोबाइल भी आपका क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर ही, बार बार कह रहा हूं मैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, देखें। अच्छा अगला यहां पे हम समझते हैं, जब कंप्यूटर मिल गया, मॉडेम मिल गया, सर्वर मिल गया, तो सर्वर सोर्स है, मॉडेम जो है कन्वर्ट कर देता है एनालॉग को डिजिटल से, और कंप्यूटर में जो चीज आप देखने वाले हो वो है इंटरनेट में, इंटरनेट की जो सूचनाएं आप आंखों से देखने वाले हो वो चीज है, लेकिन हम उन तक पहुंचेंगे कैसे, तो हमको चाहिए क्या है, ब्राउजर चाहिए। ब्राउजर के बारे में आज मैं बताऊंगा भी सेशन के आखिरी में, ब्राउजर चाहिए। ब्राउजर वास्तव में क्या करता है, सर्च इंजिन में ब्राउजर की मदद से आप सोर्स या उस नेटवर्क तक पहुंचते हो जहां पे जानकारी है। मतलब हम कहते हैं ब्राउजर क्या है, आपके मतलब यू आर यूजर, आप यूजर हैं, और उधर नेटवर्क है, तो नेटवर्क और यूजर के बीच में इंटरफेस, इंटरफेस मतलब माध्यमिक, कनेक्टिंग यानी संयोजी कड़ी का काम कौन करता है, ब्राउजर करता है। तो ब्राउजर वास्तव में क्या है, यूजर एवं नेटवर्क यानी कि हम कहेंगे कि वो सर्वर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, माध्यमिक का काम करता है। तो ये ब्राउजर हो गया। ब्राउजर कैसे, बहुत सारे ब्राउजर हो सकते हैं, गूगल क्रोम से लेके सफारी से लेके बहुत सारा चीज हो सकता है, अभी कल परसों की ही बात है, ठीक है। एप्पल के सीईओ आते हैं और कहते हैं सफारी जो है, सफारी किसका, एप्पल का है, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट क्या है, आपका ब्राउजर है, कह देते हैं, ठीक। और कुछ ब्राउजर हम सब, आप क्या गूगल क्रोम ज्यादा यूज करते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा ब्राउजर यूज किया जाने वाला, सबसे ज्यादा कौन से ब्राउजर को जिस यूज किया जाता है, दैट इज गूगल क्रोम। आगे आएगा 2023 का डेटा लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जाता है, सर्वाधिक प्रचलित ब्राउजर कौन है, सबसे फेमस ब्राउजर कौन है, इस टाइप का हो सकता है।
तो ब्राउजर हो गया। अब दुनिया में तो इतना बड़ा सर्वर है, इतने सारे हैं, तो अब आपको जरूरत पड़ती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये नेटवर्क या ये सर्वर के अंदर इतने सारे सर्वर हैं, इतने सारे सर्वर हैं कि आपको आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए क्या है, कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जो इंटरनेट आपको मुहैया कराते हैं। जिस कंपनी को पैसा पे करोगे वही कंपनी आपको वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाएगा। आप जियो को देते हैं पैसा, एयरटेल को पैसा देते हैं, बीएसएनएल को देते हैं, जो भी है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वास्तव में आपसे पैसा चार्ज करता है, आपसे पैसा लेता है। तो अगला लिखेंगे आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये पांच चीजों की आवश्यकता होती है आपको इंटरनेट यूज करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ठीक है। चलें अब यहां पे बात करते हैं एक नई चीज को लेकर। इधर देखिए, आप यहां पे देख रहे हैं, इस चीज को पर्टिकुलरली देखिए, इसमें दो चीजें आप देख पा रहे होंगे। एक तो शुरुआत में ये है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये HTTP क्या है, प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। जैसे रोड में आपको चलने के लिए ट्रैफिक के प्रोटोकॉल को पालन करना पड़ता है, वैसे ही इंटरनेट को चलाने के लिए भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल में कुछ रूल्स रेगुलेशन है, नियम कानून है, और उसी के हिसाब से क्या है आपका इंटरनेट चलेगा। ये प्रोटोकॉल और भी कई सारे तरीके हैं, मैं आप लोगों को आज नोट भी करवाने वाला हूँ सभी टाइप के प्रोटोकॉल्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाजू में आप देख रहे हैं ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब दुनिया में इतने सारे इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन क्या है, किसी न किसी जगह पे क्या है सुरक्षित है, या किसी न किसी जगह पे क्या हो गए वहां पे ऑलरेडी जानकारी इसमें अपलोडेड है। तो जब हम कोई भी चीज गूगल करते हैं, मान लो आपको चाहिए, आप अमेजन फॉरेस्ट टाइप किए, तो अमेजन फॉरेस्ट यानी दुनिया का सबसे घना जंगल, और उस घना जंगल के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो www.amazonforest.com करके आपने कुछ किया, गूगल किया, तो वो सीधा सीधा वर्ल्ड वाइड वेब दुनिया में जहां जहां पर भी क्या है अमेजन फॉरेस्ट की जानकारी है उसको क्या है आपको डिस्प्ले करके दिखा देता है। तो ये वास्तव में उसका एड्रेस है कह सकते हैं, उसका वेब एड्रेस, पूरा वेब एड्रेस एक चीज नहीं हो सकता। आप कहां रहते हो, रायपुर में, तो रायपुर आपका एक्चुअल पता नहीं है, रायपुर के अंदर कौन से एरिया में, कौन से एरिया के कौन से पर्टिकुलर वार्ड में, अवार्ड में भी कौन सा आपका मकान नंबर है, उस प्रोजेक्ट कौन सी गली के पास है, ये आप ऑल लैंडमार्क देते हैं। वैसे केवल www कह देने से क्या है आपका वेब एड्रेस नहीं है, दुनिया में वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड मतलब दुनिया, वेब मतलब नेटवर्क, और वाइड मतलब चौड़ा, ठीक है। तो वेब मैंने नेटवर्क का ही पता है आपके, वर्ल्ड वाइड वेब में आपकी सूचनाएं वहां पे इकट्ठा है, एक जगह स्टोर्ड है, और उसी तक पहुंचने के लिए आपने वर्ल्ड वाइड वेब का यूज किया, ठीक। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में थोड़ा और मैं नोट करवा दूंगा। उसके बाद देखिए, आप लोगों को पिछली क्लास में जो छोटा सा करेक्शन करवाना है, इसमें मैंने करवाया था, हालांकि आज तो और बहुत सारा डोमेन नेम मैं नोट करवाऊंगा। एक्चुअल में देखो, इंटरनेट लिखा है और .com लिखा है, इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, डोमेन DNS कहते हैं, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। इधर देखिए, पिछली क्लास में मैं आप लोग क्या नोट करवाया था, यहां पे दो चीजें हैं, ये क्या है डोमेन नेम सिस्टम DNS, DNS क्या है, ये दोनों ही चीजें DNS है। www के बाद स्थित दोनों चीजें क्या है, डोमेन नेम सिस्टम है, जिसमें डोमेन क्या है ये वाला है, डोमेन आपका इंटरनेट लिखा ये है, ये .com क्या है, ये भी डोमेन ही है लेकिन डोमेन का एक्सटेंशन है, ठीक है, डोमेन का एक्सटेंशन। तो यहां पे लिखेंगे डोमेन एक्सटेंशन,
ठीक है, इसे डोमेन एक्सटेंशन सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है, या डोमेन एक्सटेंशन नेम भी कहा जाता है, DEN कह दिए थे इसे। दो चीजें हैं, अभी और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी भाई। आप लोगों को पूछा जाएगा विभिन्न प्रकार के डोमेन, तो करेक्शन क्या करवाना है, मैंने .in में इंटरनेशनल लिखवा दिया था, उसे इंडिया कर लीजिएगा, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने डोमेन नेम लिखवाया था, तो डोमेन नेम लिखा था, डोमेन और नेम के बीच में ऊपर में एक लिख देना एक्सटेंशन, डोमेन एक्सटेंशन नेम, ठीक, डोमेन एक्सटेंशन नेम पिछली क्लास का, आप ऑनलाइन वाले भी करेक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी जानकारी मैंने नोट करवाई थी जिसमें .com, .in वगैरह, तो .in में मैं बाय मिस्टेकली इंटरनेशनल नोट करवा दिया था, वो इंडिया है। अभी आएगा बहुत सारा, आएगा डोमेन नेम और चीजें मैं स्पष्ट कराऊंगा, लेकिन करेक्शन बस करवा रहा हूं। हाँ, अब वापस लौटिए अपनी जगह पर। ये क्या है, डोमेन नेम सिस्टम है, तो ये क्या है, DNS कह दिए, जिसमें पहले वाला .com, .in, .gov कुछ के पहले वाला जो भी होगा वो डोमेन है, और इसके बाद कहेंगे .com कहेंगे या .in कहेंगे, .net कहेंगे, .org कहेंगे, जो भी आप लिखे हैं वो डोमेन एक्सटेंशन नेम है। एक महत्वपूर्ण बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कभी भी दो वेब पेज का, वेब पेज मतलब, वेब मतलब नेटवर्क होता है, पेज मतलब जो आंखों से आपके सामने दिख रहा है, है ना, जो आंखों के सामने आपको उस समय तत्कालीन समय में दिख रहा वही आपका पेज है। तो वेब पेज मतलब एक ऐसा पेज जो क्या है, अगर आप गूगल करते हैं तो आपके सामने वो पेज ओपन हो जाता है। वेब पेज किसी भी वेबसाइट में बहुत सारे हो सकते हैं, उसका शुरुआती पेज होम पेज कहलाता है। जैसे psc.cg.gov.in करेंगे आप, ठीक है, psc.cg.nic.in है, तो यहाँ पे अगर आप गूगल करते हैं तो PSC का होम पेज आता है, cg.vyapam.cgstate जो है, vyapam.cgstate.gov.in करते हैं या nic.in करते हैं, तो उसके बाद उसको व्यापम का आपका वेबसाइट खुल जाता है, उसका होम पेज। उसके बाद जो फॉर्म अप्लाई करना उस कर जाते हैं तो नेक्स्ट पेज जाते हो, और फॉर्म ओपन हो जाता है उसका नेक्स्ट पेज जाते हैं। तो वेब पेज कहेंगे, बहुत सारे वेब पेज मिल के एक वेबसाइट का निर्माण करते हैं, और किसी वेबसाइट में कई सारे वेब पेज हो सकते हैं। एक पेज से दूसरे पेज तक जाने के लिए मैंने क्या बताया था, क्या चीजें यूज की जाती है, सामान्यतः हाइपरलिंक यूज की जाती है, सामान्यतः हाइपरलिंक जो है दूसरे कलर से होते हैं, मैंने कहा था, और भी स्पष्ट कर दूं, ज्यादातर नीला कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। कौन सा हाइपरलिंक, हाइपरलिंक याद आ रहा है, पिछली क्लास में कुछ भी चीज लिखते हो, इंडिया आपने गूगल किया, विकिपीडिया में इंडिया के बारे में जानकारी आ गया, और उसमें इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, मान लो वहां छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के नीचे अंडरलाइन है और वहां पे नीला कलर का लिखा, उसको क्लिक कर दोगे तो फिर छत्तीसगढ़ की जानकारी आ जाएगी, अगले पेज में लेकर चला जाएगा। तो याद रखना, एक पेज से दूसरे पेज तक जब हमको इंटरनेट में मूव करना होता है, क्लिक किया अगला पेज ओपन हो जाता है। क्यों ओपन हो जाता है, क्योंकि वहां पे वो पहला पेज और दूसरा पेज आपस में लिंक्ड अप है। तो वहां से किसकी मदद से आप जंप करते हो, वो है आपका हाइपरलिंक के माध्यम से। हाइपरलिंक सामान्यतः मैं कह रहा हूं दूसरे कलर से होते हैं, एक ही होम पेज में अगर आपको लिंक प्रोवाइड करना है तो अलग कलर करने की जरूरत नहीं है, क्लिक करोगे अगला पेज चले जाते हैं, ठीक। अच्छा, ये बातें देखेंगे अब यहां पे ये जो चीजें टाइप करते हैं, जिस जगह पे टाइप करते हैं वो कहलाता है URL। क्या कहलाता है, इसे कहते हैं, ये लिखा भी हुआ देखो, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो हम कह देते हैं इस प्रकार URL हो गया। URL में ही हम सब चीजें क्या डालते हैं, कोई भी चीजें आप जब भी टाइप करोगे, तो आप मान लो अभी टाइप करते हो चित्रकूट वाटरफॉल गूगल में जाके, तो चित्रकूट वाटरफॉल कहाँ टाइप करोगे, हमेशा URL में टाइप करोगे।
URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. यूनिफॉर्म रिसोर्स, रिसोर्स वर्ड आया है मतलब रिसोर्स मतलब स्रोत, लोकेटर मतलब उस जगह के लोकेशन की बात कर रहा है. तो URL में जब हम कोई भी चीजें गूगल करते हैं, इंटरनेट में डालने के लिए सर्च करने का प्रयास करते हैं, तो वास्तव में URL ही आपको www तक कनेक्ट कर देता है. www क्या है? वर्ल्ड वाइड नेटवर्क. वो नेटवर्क वर्ल्ड वाइड है मतलब ऐसा नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है. तो वो सीधा सीधा चित्रकूट वाटरफॉल के बारे में आपको जानकारी मुहैया करा देता है, क्योंकि उसकी जानकारी बहुत जगह हो सकती है. वो छत्तीसगढ़ की सरकारी वेबसाइट में हो सकती है, कोई निजी व्यक्ति भी वहां पे डाल सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है. तो URL पर किसी भी वेबसाइट का हम क्या डालते हैं? वेब एड्रेस डालते हैं. अब कितनी सारी चीजें आ गई. URL में किसी भी जगह का वेब एड्रेस डालते हैं मतलब आप मान लो रायपुर के चौबे कॉलोनी के किसी गली में निवास करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? छत्तीसगढ़, रायपुर, चौबे कॉलोनी के बाद वार्ड नंबर के बाद फिर उसके बाद आपका मकान नंबर और वो गली का नंबर, वो आ गया तीसरी नंबर गली, चौथा नंबर मकान, समथिंग. तो आपका एक्चुअल एड्रेस हुआ कि नहीं. तो वैसे ही वेब एड्रेस क्या होता है? वेब एड्रेस आपका किसी भी वेबसाइट का कंप्लीट पता होता है. psc.cg.nic.in मान लो करते हैं, तो वो सीधा सीधा बताता है ना. सबसे पहले शुरुआत में तो HTTP लिखा होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लिखा होगा, और उसके बाद जो है बाकी सब चीजें जो हैं psc.cg, मतलब CGPSC के बारे में बात कर रहा है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के बारे में बात कर रहा है, उसके बाद .nic मान लो किए तो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, यू भी सरकारी सर्विस प्रोवाइडर है, कोई तो इंटरनेट प्रोवाइडर होगा. .in किए, इन का मतलब इंडिया हो गया, ठीक है. तो इस प्रकार हम बात करते हैं कि उसका कंप्लीट वेब एड्रेस हो गया, जिसके माध्यम अगर वो वेब एड्रेस गलत लिखते हैं तो जैसे आपको आपने किसी को गलत एड्रेस दिया तो आपके घर तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन आपके आसपास पहुंच सकता है. चौबे कॉलोनी में गली नंबर 3 के जगह 6 कर दिए तो 6 के आसपास खोज रहा होगा वो. तो वैसे ही आप डॉट के बाद कुछ जानकारी गलत बता देते हो या कुछ भी वेब एड्रेस थोड़ा सा मिस्टेकली लिख ले देते हो तो उसके आसपास पहुंचता है, एग्जैक्टली वेबसाइट पर नहीं पहुंचता, ठीक. तो ये URL बातें समझ में आई. अच्छा, आपको मैं एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ. ये प्रोटोकॉल के बारे में तो अभी मैं पूरा डिटेल आप लोगों को नोट लेकर आया हूँ, यदि मैं बता देता हूँ. देखो इधर देखिए, HTTP के बाद अगर S लिखा है तो वो सिक्योर्ड है. कोई भी वेबसाइट में अगर पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी चीजें आप देखते हैं, अगर HTTPS है मतलब वो पर्टिकुलरली नेटवर्क बहुत सिक्योर्ड है, बहुत सुरक्षित है वहां पे. इसलिए आप SBI की वेबसाइट में जाए, किसी भी बैंक की वेबसाइट में जाएंगे, आपको HTTPS दिखना मस्ट है, क्योंकि वहां पे हमेशा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है. लेकिन जरूरी नहीं कि सभी, मान लो कोई नॉलेज वाला कोई वेबसाइट है, अब नॉलेज वाला वो वेबसाइट कोई HTTPS हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. कुछ भी चीज जोड़ने के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं. वो S को जोड़ने के लिए, सिक्योर्ड साइट करने के लिए, सिक्योर्ड नेटवर्क सुरक्षित है. मैंने आप लोगों को शुरुआत में कहा था, यदि नेटवर्क को सुरक्षित करना है तो किसकी जरूरत पड़ती है? फायरवॉल की जरूरत पड़ती है. किसी कंप्यूटर को सुरक्षित करनी है तो एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है. तो फायरवॉल वास्तव में नेटवर्क को सुरक्षित करता है अनवांटेड ट्रैफिक को आने से रोकने के लिए, कि अनवांटेड ऐसे बाहरी कोई हैकर या कोई भी ऐसे इलीगल कोई एक्टिविटी कर रहा है उसको रोकने के लिए क्या करेगा? फायरवॉल हम एक्टिवेट करके रखते हैं, ठीक है. बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे चलें. अब ये इंटरनेट की इन बारीकियों को थोड़ा समझते चलते हैं आगे. यहां पे देख रहे हैं कि कोलन का निशान है और इस प्रकार स्लैश का निशान है. ये भी कुछ खास एड्रेस को ही बताता है. क्या है आगे समझेंगे इसे. चले अगला देखिए, इस जगह पे देख लीजिए जिसको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था. आपको यहां पे इस दोनों चीजों को देखनी है. वास्तव में आप पहले लेफ्ट वाले को देखिए,
ये क्या है, आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, HTTP है। जरूरी नहीं है HTTP ही हो सकता है वो FTP भी हो सकता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी हो सकता है, प्रोटोकॉल के टाइप हो सकते हैं। तो फिलहाल तो HTTP है, तो शुरुआत में हमेशा क्या होगा, प्रोटोकॉल होगा, नियम कानून होगा इंटरनेट को चलने के लिए, जो है ये आपका है। दूसरे में देखते हैं, ये आपका होता है वास्तव में वर्ल्ड वाइड वेब है। ओवरऑल देखा जाए, मैंने कहा था कि वर्ल्ड वाइड वेब दुनिया भर में जो पाए जाने वाला नेटवर्क है, वही क्या है आपका, वो नेटवर्क ही मुख्य एड्रेस है, मुख्य स्रोत है, मुख्य भंडार है कहेंगे, जहां से सूचनाएं निकल के आएंगी। ये वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने के लिए हम डोमेन का नाम यूज करते हैं। डोमेन, यहाँ गूगल क्या है, डोमेन हो गया, और यहाँ .com क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया, जिससे हम, है ना, यहाँ पे एक्सटेंशन के अलावा आप टॉप लेवल डोमेन भी कह सकते हो, इसे आप कह सकते हो एक्सटेंशन भी लिख सकते हैं, एक्सटेंशन नेम भी कह सकते हैं, और टॉप लेवल डोमेन भी कह सकते हैं। बाजू में देखिए फिर से वही बातें, HTTP है, ये आपका क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल है। उसके बाद www वर्ल्ड वाइड वेब दुनिया में कहां पर है, उस भंडार तक पहुंचने के लिए पहले हमको www करना पड़ेगा, वर्ल्ड वाइड वेब करना पड़ेगा। ये आपका गूगल क्या है, आपका डोमेन नेम है, और इसके बाद यहां पे मैं कह दिया कि वो क्या है आपका, क्या है आपका ओवरऑल एक्सटेंशन नेम है, जिसे टॉप लेवल डोमेन भी कहा जाता है। इस डॉट का भी वैल्यू है, ये बात ध्यान रखना, डॉट का भी वैल्यू है। दो चीजों को जोड़ने के लिए यहाँ पे डॉट को हम प्रयोग किए हैं, जबकि ईमेल में हम क्या करते हैं, ईमेल में बिना गैप दिए लिखते हैं, यहाँ भी गैप वैसा नहीं दिए, डॉट के साथ, कई बार अंडरस्कोर के साथ, कई बार आप स्लैश के साथ चीजों को जोड़ दिए हैं। अच्छा, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाएगा, वेब एड्रेस कहलाएगा, मतलब रायपुर चौबे कॉलोनी गली नंबर वार्ड नंबर मकान नंबर, मतलब ये पूरा एड्रेस हो गया। अगर कंप्लीटली इस प्रकार लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है, वेब एड्रेस। वेब एड्रेस कहाँ डाले जाएंगे, URL में डाले जाएंगे। URL क्या है, URL एक ऐसा स्थान है जहाँ पर वेब एड्रेस डालने पर वो सीधा सीधा कहाँ कनेक्ट कर देता है, नेटवर्क के मुख्य स्रोत के साथ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उस स्रोत तक लेकर चला जाता है। चित्रकोट टाइप किए तो चित्रकोट के जानकारी तक क्या है, आपको कनेक्ट कर देता है। अगर आप वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट टाइप किए, अगर आप इंडिया गेट टाइप किए, तो उसके स्रोत तक आपको पहुंचा देता है। वो स्रोत कई सारे हो सकते हैं, जिसको आपको जानना है उस ओरिजिनल वाली जगह तक आप पहचान के जा सकते हैं। अगर सही एड्रेस लिखे हैं तो सीधा सीधा आपको सही एड्रेस तक लेकर जाएगा, गलत एड्रेस लिखे हैं तो बहुत सारे सिमिलर टाइप की जानकारी देगा, फिर उनको पहचानना पड़ता है कौन सा ओरिजिनल है। ठीक है, तो URL समझ में आया, www समझ में आया, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, ठीक समझ में आ गई ये बातें। चलें, अगर ये चीज़ समझ में आ गई है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा इसके आगे का बात बताता हूँ। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा है कि अगर यहाँ पे नेटवर्क है, यहाँ पे नेटवर्क है, नेटवर्क बाद में बार बार कह रहा हूँ, उसका मतलब समझ रहे ना, जहाँ पे सूचनाएं एक जगह क्या होगी, कनेक्टेड हैं, सूचनाएं जहाँ पे इकट्ठा है वो सर्वर है, बहुत सारे सर्वर आपस में जुड़े हैं, वो नेटवर्क है, और इसी नेटवर्क से मुझे इंटरनेट यूज करना है। तो नेटवर्क और आपके बीच की दूरी क्या है, बीच में कोई प्रोवाइडर भी तो होना चाहिए भाई, नेटवर्क में तो बहुत सारे इंटरनेट हैं, इंटरनेट की जानकारी क्या है, आपस में कनेक्टेड है। आई रिपीट अगेन, सर्वर जहां पे डेटा सुरक्षित है, और बहुत सारे सर्वर आपस में नेटवर्क के माध्यम से, तार के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकता है, जैसे हमने देखा पूरी दुनिया ही वास्तव में नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, ओशन के अंदर किस प्रकार जुड़ा हुआ है, पूरी दुनिया कैसे जुड़ी हुई है। तो सर्वर जहां डेटा सुरक्षित है, बहुत सारे सर्वर आपस में तार से जुड़े हुए हैं, तार से जुड़ना मतलब नेटवर्क बन रहा है, जाल बन रहा है, और वो नेटवर्क और आप यूजर हैं, तो यूजर और नेटवर्क के बीच में दूरी है, उस दूरी को पाटने का काम कौन करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आप पैसा पे करते हैं, आपको इंटरनेट मिल जाता है। आप पैसा पे नहीं करोगे, मंथली पे करते हैं हम सब मोबाइल का डेटा रिचार्ज करने के लिए। कोई कम ऑफिस का है तो मंथली बोलो भी चार्ज पैसा पे करते हैं। अगर पैसा नहीं चार्ज करोगे तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको इंटरनेट देगा ही नहीं। तो उस प्रकार हम बात करते हैं कि इन यूजर और नेटवर्क के बीच में कोई तो जोड़ने का काम करेगा। वो जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यू आर क्लाइंट, दिस इज इंटरनेट। इंटरनेट मतलब नेटवर्क, नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट है। तो दिस इज नेटवर्क, ये नेटवर्क है। और आप क्या है यहां पे बीच में? आप ये हैं, आप क्या है? क्लाइंट हैं। यू आर ए यूजर। और दोनों के बीच में जो जोड़ने का काम करेगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे आप मान लो जियो का, एयरटेल का, बीएसएनएल का, आइडिया का, कुछ भी क्या है इंटरनेट यूज करना चाहते हैं, तो आप वो रिलेटेड कंपनी को कॉल करेंगे। वो अपना वायर जो है, कौन सा वायर जोड़ेगा? ऑप्टिकल फाइबर आपके घर तक लेकर आएगा, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट तो उसी से चलता है। तो सीधा सीधा क्या है, देखो यहाँ पे कॉपर लिखा है, फाइबर लिखा है, सैटेलाइट के माध्यम से, अलग अलग चीजों के माध्यम से। देखो सैटेलाइट के माध्यम से मतलब वो बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड। जैसे सैटेलाइट के माध्यम से भी कुछ इंटरनेट चल सकता है, लेकिन बहुत ही न्यूनतम चल सकता है, किसी एरिया पर्टिकुलर में चल सकता है। आने वाले समय में जरूर होगा, मैं उस दिन बात बताया था, वन वेव नाम की कंपनी पृथ्वी के ऊपर 640 सैटेलाइट जो है, पूरा सैटेलाइट का पूरा जाल बिछा रहा है, और वो आपस में कनेक्टेड होगा। और नीचे एक का कवरेज एरिया, दूसरे का कवरेज एरिया, तीसरे का कवरेज एरिया, ऐसा करते हुए पूरे रिलेटेड एरिया को जहां तक वो टारगेट कर रहा है, भारत भी उसमें शामिल है, वो इंटरनेट के माध्यम सैटेलाइट के माध्यम से आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो वापस ये बात समझ में आ रही है, आईएसपी का मतलब जो आपको इंटरनेट मुहैया कराता है वो आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। बहुत सारे निजी कंपनियां हैं, उनके क्या है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। चीजें समझ में आई? तो बिना आईएसपी के आप डायरेक्ट सर्वर से आप सीधा इंटरनेट नहीं चला सकते, बीच में कोई ना कोई एक इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। तो मैं कहूंगा यहाँ पर कि ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अब ये जोड़ तो दिया है, तो उसको थोड़े पता है आप क्या गूगल करने वाले हो, क्या जानकारी लेने वाले हो। भाई आपको एयरटेल या जियो या बीएसएनएल ने या आइडिया ने क्या किया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर दिया, लेकिन वो तय नहीं करेगा कि आप क्या जानकारी लेना चाह रहे हो, आप क्या इंटरनेट में सर्च करने वाले हो। आईएसपी तय नहीं करेगा, तय तो आप करोगे, जो जानकारी चाहिए उसी गूगल करोगे। तो गूगल करने के लिए आप क्या चाहिए, ब्राउजर चाहिए। गूगल करने के लिए ब्राउजर चाहिए, गूगल करने के लिए मतलब इस तक पहुंचने के लिए, ये आपका सोर्स हो गया, ये माध्यम हो गया, ये आप हो गए। अब यहां से यहां तक जानकारी इसमें आप क्या गूगल करने वाले को, किसी को थोड़े पता है। मान लो आप टाइप करते हो, जैसे मैंने कहा इंडिया गेट, आप टाइप किए इंडिया गेट, टाइप किए तो इसमें कहीं तो टाइप करोगे इंटरनेट में, तो उसके यूआरएल में आप टाइप कर सकते हो। पॉइंट नंबर वन, उसके यूआरएल में टाइप कर सकते हो, या तो किसी ब्राउजर की मदद ले सकते हो। ये सब ब्राउजर वास्तव में क्या होते हैं बताऊं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने कहा था आपके लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन आवश्यक है, आपकी कार्य क्षमता को बढ़ा देता है, कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। तो अब मैं यहां पे कहूंगा कोई ब्राउजर यूज किया, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई भी ब्राउजर यूज किया, और ब्राउजर कुछ भी हो सकता है। आप मान लो गूगल क्रोम यूज किए, जो मोस्ट कॉमन है, सर्वाधिक यूज किया जाता है। वो ब्राउजर को आप यूआरएल में नहीं डाल सकते, वो ब्राउजर भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का ऐप है। तो ऐप यानी ब्राउजर में जब आप गूगल करोगे, उसको ओपन करोगे, तो फिर आपको यूआरएल देगा वो, उसको ओपन करने पर आपको यूआरएल देगा उस जगह पे। तो याद रखना यूआरएल के अंदर ब्राउजर नहीं डाला जा सकता, जबकि ब्राउजर के अंदर यूआरएल होता है। समझ में आया? नहीं समझे? यूआरएल मतलब थोड़ी देर पहले तो मैं बताया था, आप वहां पे क्या करोगे, ब्राउजर को कुछ नहीं कर सकते। ब्राउजर अपने आप में सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ब्राउजर को क्लिक करोगे फिर वो यूआरएल खुद दे देगा, यहाँ पे टाइप करो बोल के। टाइप किए जानकारी पहुंच गया, नेटवर्क तो पहुंच जाएगा यहां तक।
ठीक, समझ में आ रहा है धीरे धीरे बातें, चलें। अब यदि मैं बात बताता हूं, ये आईएसपी आपने समझ लिया, अब मैं आप लोगों को थोड़ा इसके आगे की चीज बताता हूं। देखिए, जो आपने शुरुआत में यूआरएल में टाइप करते हैं, एचटीटीपी टाइप करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये प्रोटोकॉल है, ये मतलब इसका प्रोटोकॉल है। इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रोटोकॉल हो सकते हैं, तो आप हेडिंग लिखिए और कम से कम 5 प्रोटोकॉल को आपको लिखना है। सबके सब लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप HTTP लिखें, तो HTTP लिखेंगे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमने कह दिया, HTTP हो गया। ये जो इंपॉर्टेंट है वही है। उसके बाद इधर देखिए FTP, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया। शुरुआत में उस दिन मैंने नोट कराया था IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो लिख लीजिए इसे, छोटा छोटा प्रोटोकॉल है, ठीक है, सबका नाम लिखना है। TCP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP का मतलब ट्रांसमिशन, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक। अच्छा, 3 चीजें हो गई हैं, 2-3 चीजें और लिख देते हैं। देखो इधर SMTP और टेलनेट, ये दोनों चीजें भी आप लोगों को याद रखना है। टेलनेट के बारे में तो पहले एक छोटी सी जानकारी लिख लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। टेलनेट लिखेंगे टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, टेक्स्ट आधारित एक प्रकार का ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है, टेक्स्ट आधारित। अभी मैं चीजों को समझा देता हूं और क्या है SMTP। SMTP के बारे में आप लिखेंगे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, अब आप लोग इधर देखेंगे एप्पल टॉक, ये एप्पल का खुद का, एप्पल कंपनी का क्या है, उनका निजी क्या है, प्रोटोकॉल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मेन चीजें ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 5 चीजें याद रखेंगे। अब मैं थोड़ा समझा देता हूं इसका काम क्या है। जैसे आप लोग HTTP लिखे हो, तो HTTP के सामने एक छोटा सा चीज लिखना, HTTP के सामने सबसे लिखना www पर वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को वहीं पे कहीं एरो निकाल लो, ज्यादा लंबा नहीं है, साइड में कहीं लिख लो, उसी से एरो निकाल के, हाँ, www पर यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है।
मतलब यस और ब्रैकेट में लिख लेना मोस्ट पॉपुलर, सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल कौन सा है पूछा जाए, एसटीटीपी करेंगे और ब्रैकेट में लिख लो। यदि यदि एस लिखा हुआ, एसटीटीपीएस लिखा है, मतलब वो सिक्योर्ड प्रोटोकॉल है। ठीक, वैसे इधर लिखेंगे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के सामने कुछ लिख लेंगे थोड़ा सा। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के सामने इसका प्रयोग, इसका प्रयोग सर्वर एवं कंप्यूटर के बीच, इसका प्रयोग सर्वर एवं कंप्यूटर के बीच में क्या लिखा है कीवर्ड, इसे याद मत करिए, देखिए समझिए। सर्वर और कंप्यूटर के बीच फाइल लिखा है तो फाइल ट्रांसफर करने का काम यूज किया जाता है। उधर टेक्स्ट लिखा है, हाइपर टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल है हाइपर टेक्स्ट है। यहाँ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, मतलब फाइल को कंप्यूटर से सर्वर या सर्वर से कंप्यूटर तक भेजने के लिए, फाइल में कुछ भी हो सकती है, पिक्चर, वीडियो, ग्राफिक्स, कुछ भी हो सकता है, कुल मिला के फाइल लिख दो, को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। उसके बाद लिखो यहाँ पे ऊपर वाला लिख लो, आईपी या टीसीपी के बारे में लिख लो। टीसीपी ऑब्लिक आईपी के सामने अगर हम लिखें दोनों को, इसे एक्चुअल में दोनों को एक साथ, दोनों हैं तो अलग अलग चीजें, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल दोनों अलग अलग चीजें, दोनों को एक साथ लिखा जाता है तो इसे कहा जाता है प्रोटोकॉल सूट, लिख लेंगे SUIT। टीसीपी ऑब्लिक आईपी, नीचे कहीं पे एरो निकाल के लिख लो, टीसीपी ऑब्लिक आईपी को एक साथ लिखने पर टीसीपी ऑब्लिक आईपी जॉइंटली रिप्रेजेंट दी इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट SUIT। टीसीपी ऑब्लिक आईपी को एक साथ लिखने पर यह इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहा जाता है। ठीक, तो जॉइंटली लिखा जाता है, ऑब्लिक तो याद रखना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल, ये भी बहुत लोकप्रिय क्या प्रोटोकॉल है। ठीक है, इसके सामने भी लिख लेना, है ना, कंप्यूटर और सर्वर के बीच में, कंप्यूटर एंड सर्वर के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए ये यूज किया जाता है। कंप्यूटर और सर्वर के बीच में हमको संपर्क करना है, कनेक्शन डालना है, तो ये भी यूज किया जाता है। नाउ अब सीधा लिखेंगे टेलनेट। टेलनेट का काम क्या होता है, टेलनेट का काम लिखेंगे टेक्स बेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, टेक्स आधारित संचार प्रोटोकॉल है। जो दूर दूर स्थित दो कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है, दूर दूर स्थित दो कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है। दो कंप्यूटर बहुत दूर दूर भी हो सकते हैं तो टेलनेट प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखो, ये सब चीजें आपकी जरूरत के हिसाब से हैं। जैसे इधर लिखा हुआ है, इधर SMTP लिखा है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो मेल लिखा है तो लिख लो इसके बारे में, तो चीजें आपकी जरूरत जो है उसी के हिसाब से प्रोटोकॉल आप लेते हो। ठीक है, तो चले लिखें आप लोग SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल लिखेंगे। ईमेल को सर्वर तक और सर्वर से यूजर तक, ईमेल को सर्वर तक, मतलब यूजर से सर्वर और सर्वर से यूजर, तब क्या करेंगे, SMTP होगा।
अगर आपके में SMTP एक्टिवेट है तब आप मेल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही उसका प्रोटोकॉल है भाई। अरे भाई सिंपल है, मेल क्या लिखा है, सिंपल मेल। मेल को ट्रांसफर कैसे करना है, आपसे सर्वर तक भेजना है और सर्वर से यूजर तक भेजना, यू आर यूजर। हाँ एक से अधिक प्रकार के प्रोटोकॉल हो सकते हैं, है ना, एक से अधिक प्रकार के प्रोटोकॉल हो सकते हैं। जैसे कि पॉपअप की बात कर रहे हैं, पॉपअप क्या होता है, आपको जानकारी मुहैया कराता है, उसको पॉपअप को ऑन या ऑफ करना होता है, तो वो भी सर्वर से यूजर होता है। पॉपअप आप कोई वेबसाइट और करते हो, पॉपअप साइट में ब्लिंक करता है, तो वो सर्वर यूजर तक भेजता है, कभी भी यूजर सर्वर तक नहीं भेजेगा, तो वो वन वे है। आप जब ओके यस और नो करते हो, समझ पा रहे हो कि नहीं सब लोग। अरे भाई कई बार कुछ वेबसाइट ओपन करते समय पॉपअप ब्लिंक करने लगता है, तो सर्वर आप तक भेजता है यूजर तक जानकारी कि इसे स्वीकृत करोगे तब ये पेज ओपन होगा, आपकी सहमति बताता है। हो सकता है वो चीज़ें कुछ के लिए हार्मफुल हो सकती है, हो सकता है कुछ सिक्योरिटी के लिए आपको पहले एक एग्रीमेंट साइन करवा रहा है टाइप का हो सकता है। तो यदि यस कर दिया मतलब आप एग्री हो, अगर वो यस नहीं करोगे तो फाइल ओपन ही नहीं होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लिख लो, पॉपअप मीन्स सर्वर टू द यूजर, पॉपअप सर्वर टू यूजर। चलें थोड़ा सा बचा है, खत्म करना है आज हमको इसको, ठीक है। इंटरनेट का एक छोटा सा पार्ट बचेगा, मल्टीमीडिया भी आपके सिलेबस में है और आपका YouTube वगैरह सर वो सब भी है। चलें आगे बढ़ते हैं, एक नाम और लिख लीजिए भाई, टेलनेट हो गया, एक लिखें जो एग्जाम इसमें लिखा नहीं है, गोफर लिख लीजिए, गोफर। गोफर भी एक प्रकार का क्या है, प्रोटोकॉल है, GOPHER, लिखेंगे। इट इज ऑल्सो अ प्रोटोकॉल, ये सब क्या, ये भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट द्वारा दूर स्थित कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट को प्राप्त करने में मदद करता है। ये डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो वीडियो कुछ भी हो सकता है, तो गोफर कहलाता है, ठीक। ये बातें इतनी याद रखेंगे भाई। और इसके अलावा होने के लिए तो और सारे प्रोटोकॉल हैं, लेकिन ये 5-6 आप लोगों को याद रखना है, ठीक। चलें अब आप लिखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये क्या है, ये चीज़ आपको जानते हैं, ये है कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर के लैंग्वेजेस। पढ़े थे हम जावा के बारे में, C++ के बारे में पढ़े थे, लो लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज पढ़े थे, तो ये क्या है, पर्टिकुलरली इंटरनेट पढ़ रहे हैं तो इंटरनेट में जो प्रयोग होती है, जैसे कि जावा मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है इंटरनेट में लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ 0-1 समझता है भाई, सिर्फ उस मशीन लैंग्वेज समझती है। तो जब आप टाइप करोगे कोई भी चीज़, इंडिया गेट टाइप किए तो इंडिया गेट वो थोड़ी समझता है, उसको 0101 में डालना पड़ेगा। तो बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, तो कंप्यूटर के लैंग्वेज जो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा था, वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फिर से यहाँ लौट के इसलिए आया है, कुछ फेमस चीज़ें जो इंटरनेट में यूज़ होती हैं, तो वो लैंग्वेज को आप लिख लेंगे, जावा PHP C++, ये 2-3 चीज़ें आप बस याद रखें, बाकी तो हम जानकारी वैसे भी रखे हुए हैं। HTML को भी लिखेंगे, 4 चीज़ें लिखेंगे, पहला तो आप जावा के बारे में लिखें, बड़ा पॉपुलर है जावा,
वास्तव में इंटरनेट में वेब पेज बनाने में प्रयोग होता है। जावा इंटरनेट में प्रयोग होता है जो वेब पेज बनाने में यूज किया जाता है, वेब पेज बनाने में। ठीक, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो उसे HTML कह देंगे। तो HTML बहुत ही बेसिक क्या है, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है। इसके बारे में एक बात लिखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। HTML वास्तव में वेब पेज ही तैयार किया जाता है। HTML वास्तव में इससे वेब पेज ही तैयार किया जाता है जिसमें इच्छा अनुसार हाइपरलिंक आप डाल सकते हैं। अर्थात दैट मीन्स यू कैन ऐड हाइपरलिंक। दैट मीन्स व्हाट, यू कैन स्विच वन पेज टू अनदर पेज। अगर कोई वेबसाइट में क्लिक करते हो अगला पेज लेकर जाता है तो समझ जाना उसमें HTML डला है। ठीक, तो कि मैंने क्या कहा, HTML वास्तव में इससे वेब पेज ही तैयार किया जाता है। भाई जावा में भी वेब पेज तैयार होगा, इसमें भी हो सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अलग अलग भाषाएं हैं, सबका काम तो यही काम है, कंप्यूटर में भाषाएं को जोड़ना ऐड करना। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वास्तव में वेब पेज तैयार किया जाता है। और इसमें मैंने क्या कहा, यू कैन ऐड अकॉर्डिंगली हाइपरलिंक। आपकी इच्छा अनुसार क्या है, आप उसमें हाइपरलिंक जोड़ते हैं, अर्थात एक पेज से दूसरे पेज आप जंप करते हैं। ठीक है, तो HTML हो गया। चलें, ठीक, इसके बाद लिखेंगे PHP। ये बड़ा फेमस है भाई, PHP भी बड़ा फेमस है। PHP मतलब शुरुआत में इसका नाम था पर्सनल होम पेज, शुरुआत में इसका नाम था पर्सनल होम पेज, PHP। इसका प्रयोग डायनेमिक वेब पेज तैयार करने में यूज किया जाता है। सब में एक कॉमन बात क्या देख रहे हैं, वेब पेज आ रहा है। मतलब क्या है भाई, वेब पेज तैयार करोगे तो उसी की भाषा में तैयार करोगे ना भाई। तो ये सब के सब क्या है, वेब पेज ही तैयार करेंगे, क्योंकि आप हिंदी नहीं लिखने वाले हो, इंग्लिश नहीं लिखने वाले हो, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करोगे तो हम भाषा यूज करेंगे। कौन सी भाषा, ये भाषा कंप्यूटर में इंटरनेट को यूज करने के लिए जो भाषा है। मैं यहाँ पे वो असेंबली लैंग्वेज और बाइनरी कोड वाला नहीं यूज करूंगा, क्योंकि वो बेसिक कंप्यूटर के लैंग्वेज है, निम्न स्तरीय भाषाएं हैं। हाँ, जहां पर जरूरत होगा उसे भी यूज करेंगे। हाँ, तो ये बात लिखेंगे, PHP पर्सनल होम पेज था, जिसका काम क्या है, डायनेमिक वेब पेज तैयार करने में यूज किया जाता है। और क्या आप लोगों को बताऊं, ये जितनी भी भाषाएं हैं ना, आजकल हमको तो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती, लेकिन एक समय ये सब चार्जेबल था। ये समय एक समय क्या, पैसा पे करना पड़ता था। जैसे इंटरनेट को यूज करना है तो वो उस पर पैसा पे करते हैं ना आजकल, तो वैसे भाषाओं को यूज करने के लिए भी आपको ये पैसा पे करना पड़ता था, जुड़ के आता था उसमें। खैर, अभी हम बात करते हैं एक नाम और, C++। C++ वास्तव में उच्च स्तरीय भाषा है, वास्तव में उच्च स्तरीय भाषा है। जिससे भी वेब पेज तैयार होता है।
तो बीच में लिखा है कैसे लिखोगे, ये क्या है कोड लिखा है, मतलब कोडिंग कर रहे हैं 010101 कर रहे हैं कोडिंग, ठीक समझ में आया। तो ये चार पांच आपको जो है याद रखनी है, बाकी चीज़ों को स्किप कर सकते हो, बाकी पाइथन क्या है सीएसएस क्या है ये आपको पूछ देगा तो समझ जाना वो भी क्या है, एक का लैंग्वेज है। नाउ यहाँ पे देखिए, इसको मैं हालांकि पिछली क्लास में बताया था, इसको अगली क्लास में फिर से मैं बता दूंगा। देखो आजकल क्या है, जैसे IP4 है, इंटरनेट प्रोटोकॉल 4, आईपी एड्रेस IP4 हो गया, और वैसे मैं कह देता IPv4 ऐसा कह देता, उसके बाद IPv6 कह देता। इसका मतलब ये है ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है, यहां से यहां तक, यहां पे जब लिखा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल को तो हम आईपी एड्रेस को, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के एड्रेस को जब हम लिखते हैं उसका साइज मान लो 32 बिट लिखा हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ यूजर लाखों करोड़ों अरबों में हो गए, तो ये 32 बिट का काम नहीं करेगा, तो उसका एडवांस वर्जन IP6 लाया गया, क्योंकि लगातार इंटरनेट यूजर बढ़ रहे हैं। इसको मैं बता दूंगा अगली क्लास में, आज की चीजें यहीं पे हम रिज्यूम करते हैं, छोड़ते हैं, कल आपका इंटरनेट का टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा, इंक्लूडिंग योर ब्राउजर, इंक्लूडिंग योर सर्च इंजिन, इंक्लूडिंग योर ऑल रिलेटेड इंटरनेट कंटेंट, सभी चीज़ें कल समाप्त हो जाएगी, जिसमें कि हम उसके बाद मल्टीमीडिया और बाकी सब चीज़ें देखेंगे, फेमस वेबसाइट देखेंगे, फेमस जो आपके सिलेबस में चीज़ें हैं वो देखेंगे, ठीक है। और जैसा कि आप लोग को ग्रुप में मैसेज आया होगा, आज पुखराज सर की क्लास उनकी हेल्थ इश्यूज़ के कारण आज नहीं हो पाएगी, तो आप लोग दो काम कर सकते हो, बैठ के या तो 10 बजे तक पढ़ाई कर सकते हो ताकि आपका टाइम यूटिलाइज हो जाए, मेंटली रेडी रहते हो ना 10 बजे तक क्लास के लिए, तो अकॉर्डिंगली आप पढ़ सकते हो, और या फिर आप घर भी जा सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।